दरमियान में आता हूं तो अपनी तकलीफ को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का है तो उसका नेता है, अगर कोई ठाकुर है तो कहेगा कि योगी ठाकुर है हमारा नेता है, अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है, अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता, और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन हमारी नेता है, कोई आगरा का बाघेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? कोई तुम्हारा नेता है मुसलमानों का? नहीं, दिल पे हाथ रखकर पूछो, अपने आप से सवाल करो। जब सब समाज ने अपना अपना नेता बना लिया, अपने अपना पावर बना लिया, 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, एक किसी को नेता बनाया आपने, ये मुझसे मत कहो, ये अपने आप से कहकर दिलासा मत दो कि नहीं ये पार्टियां किसी को नेता बनाने नहीं देती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत है, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते? मैं आपको बताने आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए आया है, आता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा उस वक्त तक आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में एक सांस को बाकी रखेगा। मैं अपने मरने से पहले, अल्लाह मुझे बुलाने से पहले, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके। सुनिए, कानपुर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कौन जीता? यहां से कौन जीता? सांसद कौन सी पार्टी का है? डरिए मत, जोर से बोलिए। क्या आपने उसको वोट दिया? क्या आप किसी को जानते हैं कानपुर में मुसलमान ने वोट दिया? क्या आप किसी उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को जानते जिसने मोदी और योगी को वोट दिया? फिर कैसे जीता? देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।